जनपद में 2022 में 14 नया गैंग पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिले में इस वर्ष कुल 14 नए गैंग पंजीकृत हुए हैं और इस 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको पंजीकृत किया गया है। प्रयास है कि सभी अपराधियों का खाका तैयार कर निगरानी रखी जाए व चेक किया जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई है इनके खिलाफ किया जाए। इसी अभियान के तहत इस साल करीब 15 नया हिस्ट्री शीट को खोला गया है, जिसके तहत 15 नए अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी हिस्ट्री शीट खोलकर उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें हत्या के अभियुक्त, सुपारी किलर और जो संपत्ति अपराध करते हैं, नकबजनी, लूट, डकैती करते हैं जो कि अभी जेल में है, लेकिन इनको चिन्हित किया गया है या जैसे ही बाहर आएंगे इनकी निगरानी शुरू की जाएगी। जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जमानतदार को भी बुलाकर चेतावनी दी जाएगी कि भविष्य में इन अपराधियों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जो जो अपराधी शामिल रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जनपद में इस वर्ष अभी तक करीब 14 गैंग रजिस्टर हो गए हैं और ये 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको की पंजीकृत किया गया है। उद्देश्य है कि ये सभी अपराधियों का खाका तैयार हो और भविष्य में इनको निरंतर इन पर निगरानी रखी जाए, इनको चेक किया जाए और जो भी संभव निरोधात्मक कार्रवाई है कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। इसी अभियान के तहत इस साल अभी तक करीब 15 हिस्ट्री शीट नए खुले हैं और 15 अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी हिस्ट्री शीट खोलकर उनके ऊपर सतत निगरानी रखी जाएगी। इनमें हत्या के अभियुक्त हैं, सुपारी किलर हैं और जो संपत्ति अपराध करते हैं, नकबजनी, लूट, डकैती इत्यादि करते हैं, ये अभियुक्त हैं जो कि फिलहाल जेल में हैं, परंतु इनको चिन्हित किया गया है और जैसे ही बाहर आएंगे इनकी निगरानी शुरू होगी और जहां कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी इनके खिलाफ तत्परता बरतते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इनके जमींदार जो हैं, जो इनको जमानत देकर जेल से बाहर लाते हैं, उनको भी बुलाकर चेतावनी दी जाएगी कि यदि भविष्य में ऐसे अपराधियों द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो सभी संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।